मेरी हमेशा कोशिश रहती है इन्हें कुछ हेल्दी खिलाऊं, तो ऑब्वियसली कुछ हेल्दी खा रहे होंगे। वैसे कुछ स्पेशल नहीं था, बस वही आटे का पेड़ा लिया और उसकी एक पतली सी रोटी बेल दी, उसे बीच में से काट दिया, फिर मैंने पनीर को अच्छे से मैश करके उसमें नमक और हींग डाला और ली अमूल चीज स्प्रेड, उसमें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद मैंने इसे अलग अलग शेप में, मतलब इस तरीके से फिलिंग की, उसको काट के फिर मैंने अलग अलग शेप देने की कोशिश की। बीच में फट रहा था, आप इसको कर लेना अच्छे से। तो मैंने बनाई अलग अलग शेप्स, जैसे सिलेंडर, स्क्वायर और ट्रायंगल। आई वाज ट्राइंग टू मेक सर्कल आल्सो, पर वो बन ही नहीं रहा था, मेरी रोटी कभी गोल नहीं बनती। अच्छा, फिर मैंने इसे तवे पे ना घी लगा के फ्लिप करके सेक लिया। सिनेमैटिक शॉट देख रहे हो मेरे? अच्छा, सेकने के बाद मैंने प्लेट में इसको कर लिया सर्व, और ये जो सर्कल था ना, देखो इसकी क्या हालत हुई है। जैसे तैसे मैंने इस सर्कल को आगे पीछे से फ्लिप कर करके सेक लिया, बट ये सर्कल सर्कल नहीं लग रहा था। अच्छा, ये इजी तरीका है अपने बच्चों को शेप से इंट्रोड्यूस कराने को। देखो फीलिंग, देखो कितनी अच्छी लगी। मुझे ना कभी कभी खुद यकीन नहीं होता मैं इतना अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। सिर्फ बच्चों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर।